Hello student, today I am going to explain you the remaining part of strategies for enhancement in food production. Poultry farming. Poultry includes the fowl, ducks, geese, guinea fowl and turkeys. Various terms used in poultry farm. Chicks, from hatching up to 8 weeks. Youngs are known chicks. Hatching से 8 सप्ताह तक के जो youngs होते हैं उनको chicks कहते हैं. Growers. From 8 weeks to 6 months or before laying the eggs, the bird known as growers. 8 सप्ताह से 6 मंथ के जो होते हैं जो अंडे नहीं दे सकते, अंडे देने की जो पहली स्टेज होती है उसको growers कहते हैं. Pullets. Female from the 6 month up to the 1.5 years. ऐसी female जो 6 महीने से लेकर 1.5 साल की होती है उसको pullets कहते हैं. Hen. Female after 1.5 years known as hen. 1.5 साल के बाद की जो female होती है उसको hens कहते हैं. Cockerels. Male fowls from 6 month to 1 years known as cockerels. जो male fowl होता है 6 महीने से लेकर 1 साल का होता है इसको cockerels कहते हैं. Cock. Male fowl after 1 year is known as cock. 1 साल से बड़ा जो cock होता है, male fowl होता है इसको cock कहते हैं. Domestic fowl, the chicken kept for egg and meat known as domestic fowl. ऐसे fowl जिसको घर में meat तथा chicken egg के लिए रखा जाता है, पाला जाता है, उसको domestic fowl कहते हैं, जैसे Gallus domesticus. Important breed of poultry. Indigenous मतलब जो native होती है और exotic जो बाहर की होती है. तो native मतलब देसी. बरसा, करकनाथ, तुलरी, पंजाब ब्राउन, असील, घागस, काक हस्ती, ये सब इंडिजिनस स्पीशीज है, मतलब देसी स्पीशीज है. एक्जोटिक ब्रीड. अमेरिकन क्लास. फाउल ऑफ अमेरिकन ब्रीड यूज फॉर मीट एंड एग्स. एग्जाम्पल, पोलीमाउथ रॉक, रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर. सेकेंड, एशियाटिक क्लास. इट इंक्लूड द सब क्लासेस ब्रह्मा, कोचिन, लंगसन. थर्ड, इंग्लिश क्लास. इट हैज 4 सब क्लास और पिंगटॉन, ऑस्ट्रेलॉर्प, कॉर्निस, सुसेक्स. फोर्थ वन, मेडिटेरियन. इट इंक्लूड द 3 सब क्लास लॉन्ग हॉर्न, मिनोरा तथा एनाकोना. एडवांटेजेस ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग. क्या एडवांटेजेस है पोल्ट्री मीट्स एंड एग्स. इससे आपको मीट मिलेगा, एग मिलेंगे. फेदर यूज फॉर मेकिंग शटल कॉक. इससे फुद्दी बनाई जाती है, शटल कॉक बनाए जाते हैं. पोल्ट्री मैन्यूर मिलता है. इम्पोर्टेंट डिजीज ऑफ पोल्ट्री. बैक्टीरियल डिजीज, कोलेरा, टाइफाइड एंड कोराइजा. वायरल डिजीज, रानिक हेड डिजीज, फाउल स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, बर्ड फ्लू और रेस्पिरेटरी डिजीज. फंगल डिजीज, एस्परजिलोसिस या माइकोसिस. नेक्स्ट वन, एक्वा कल्चर. द कल्चर ऑफ यूजफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एनिमल इज कॉल्ड एक्वा कल्चर. जो यूजफुल एक्वेटिक एनिमल है इनको जब कल्चर किया जाता है तो इसको एक्वा कल्चर कहते हैं. It includes the culture of useful as well as aquatic animals such as the fish, prawns, crabs and mollusk. इसके अंदर fish, prawns, crabs और mollusk इनको culture किया जाता है. Fishery. It is also known as pisciculture. Fishery word used for fishes, shellfishes, prawn and mollusk. फिशरी जो वर्ड यूज़ किया जाता है फिशेस तथा सेल फिशेस के लिए किया जाता है जिसके अंदर है प्लांट तथा मोलस्कस एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स लाइक द क्रेप्स, लोबस्टर एंड ओइस्टर. इन सभी को फिशरी में इंक्लूड किया गया है. तो फिशरी में केवल फिशेस इंक्लूड नहीं होती, उसके अंदर सेल फिशेज भी होती है जैसे प्रॉन, मोलस्क और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं क्रेप्स, लोबस्टर तथा ओइस्टर. तो ये सभी एनिमल्स इंक्लूड हैं फिशरी में. 4 type of ponds are required for the culture of Indian major crop for commercial level. औद्योगिक स्तर पर अगर मछलियाँ पालना है तो उसके लिए 4 तरह के तालाब की जरूरत होती है. पहला हैचरी टैंक, दूसरा नर्सरिंग टैंक,
तीसरा रेयरिंग टैंक और फोर्थ वन स्टोरेज स्टॉकिंग टैंक। टाइप्स ऑफ फिशरी, देर आर टू टाइप्स इनलैंड और फ्रेश वाटर फिशरीज। फर्स्ट वन कतला, कतला फास्ट ग्रोइंग कार्प, गेन 7 to 10 सेंटीमीटर पर मंथ, गेन 2 pounds इन पर ईयर। जो कतला कतला होती है बहुत तेजी से ग्रो करती है, पर मंथ 7 to 10 सेंटीमीटर इसकी साइज में वेट होता है, गेन होता है, तथा इसका जो वेट का गेन होता है पर साल में 2 pounds गेन हो जाता है। दूसरा है लोबियो रोहिता, जिसको रोहू भी कहा जाता है, लोबियो कालबासू तथा लोबियो जीनियस। इनकी फूड वैल्यू है, मतलब इनको मेजरली किसके लिए यूज़ किया जाता है, फूड के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड वन सिरिनस मृगाला, जिसको मृगाला भी कहा जाता है। फोर्थ वन कैटफिश, एग्जाम्पल वॉलेगो अट्टू, परहिन, हेट्रोप्न्यूटियस फॉसिलिस, सिंगी, मिस्टर सिंघाला, टेंगरा, क्लेरियस बैटरेचस, मेगू, चन्ना पंक्टुएटस, गुर्री, ये सभी कैटफिश की स्पीशीज है। सेकेंड वन मरीन फिशरीज, फर्स्ट वन सॉल्डिनेला लॉन्गिसेप्स ऑयल सॉल्डिन, रेस्टिलिगर कांगूर्टा, इंडियन मैक्रेल, हरपोडॉन नेरियस, बॉम्बे डक, हिल्सा, एंग्विला, ईल। बेनिफिट्स ऑफ फिशरीज, टू प्रोवाइड फिश मीट विच इज न्यूट्रियस फूड। सबसे पहला, फिश से आपको मीट मिलता है जिसके अंदर बहुत न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी होती है। कॉड लीवर ऑयल भी आपको फिशेस से मिलता है जिसके अंदर विटामिन ए सी तथा डी की बहुत अधिक क्वांटिटी होती है, जिसका यूज़ मेडिसिंस में किया जाता है। आफ्टर ड्राइंग द फिश आर ग्राइंडेड टू प्रोड्यूस फिश मील। जो फिशेज मर जाती हैं उनको सुखा लिया जाता है और उनको पीसा जाता है, जिसको फिश मील कहते हैं। तो फिश मील को एज अ मेन्यूर के फॉर्म में या खाद के रूप में भी यूज़ किया जाता है। बी कल्चर और एपिकल्चर, मधुमक्खी जो होती है, हनी बी जो होती है, उनको जो पालने की जो प्रोसेस है उसको बी कल्चर या एपिकल्चर कहते हैं। द नेक्टर पोलन ग्रेन एंड केन शुगर इज कलेक्टेड बाय द बीज इन देयर क्रॉप। जो बीज होती है फूलों का रस चूसती है पोलन ग्रेन से, केन शुगर से, और अपने क्रॉप के अंदर उसको स्टोर कर लेती है और उसके अंदर मिक्स कर देती है अपना सलाइवा, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और उसके अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। जो सुक्रोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डेक्सट्रोज और लैक्टुलोज में, और सम इंग्रेडिएंट ऑफ बीज आल्सो एडेड टू मिक्सचर टू रिड्यूस द वाटर कंटेंट। जो बीज होती है कुछ और इंग्रेडिएंट अपने पास से उसमें मिक्स कर देती है, जिससे उस कंटेंट के अंदर जो वाटर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। उस मिक्सचर को अब हनी कहते हैं। स्पीशीज ऑफ बीज, एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोरिया, मेलिगोना स्पीशीज तथा ट्राइगोना स्पीशीज, इन सभी स्पीशीज को पाला जाता है। टाइप्स ऑफ बी इन कॉलोनी, एक कॉलोनी के अंदर कितने टाइप्स की बी होती है। फर्स्ट वन क्वीन, ये एक प्रोवाइडर होती है और एक कॉलोनी में केवल एक क्वीन होती है, ड्रोन मेल बी। इनके जो नंबर होते हैं एक कॉलोनी में 200 to 300 होते हैं वर्कर। एक कॉलोनी के अंदर कई थाउजेंड जो होते हैं वो वर्कर होते हैं, जो लेबोरियस वर्क करते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हनी, फर्स्ट वन फूड वैल्यू, हनी को लेने से कितना, हनी लेने से 2.1 ग्राम हनी लेने से कितनी एनर्जी प्रोवाइड होती है, 67 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड होती है, मतलब जो हनी होता है वो एनर्जी का सोर्स है। मेडिसिनल वैल्यू, जो हनी होती है उसका बहुत मेडिसिनल वैल्यू है, मतलब स्टमक प्रॉब्लम होती है, ओबेसिटी से रिलेटेड जो होती है, स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, उसमें हनी का यूज़ किया जाता है। हनी हाइव्स जो होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उससे आपको देसी मोम प्राप्त होता है।